शिग्र शहर के मानोरा चौक से चिचोली मार्ग के निर्माण कार्य में जारी रुकावटों के खिलाफ मानोरा चौक पर शुक्रवार 11 जून दोपहर 1 बजे से शुरू हुए आंदोलन को तहसीलदार, थानेदार आदि प्रशासकीय अधिकारियों की मध्यस्थता के बाद पीछे लिया गया। इस मौके पर तहसीलदार वजीरे ने खुद उक्त महामार्ग के काम को निर्धारित समय में निपटाने का लिखित आश्वासन संबंधित कंस्ट्रक्शन कंपनी से लेते हुए उपमार्ग की समस्या के निपटारा का वादा किया है। बीते 3 से 4 सालों से दिग्रस दारवा कारंजा महामार्ग का काम कछुआ गति से जारी है। नतीजतन इस रास्ते से गुजरने वाले राहगीर, चार पहिया, दुपहिया वाहन चालकों को अनगिनत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में दिग्रस शहर की जनता को साथ लेकर स्थानीय राजनीतिक क्षेत्र के सर्वदलीय पदाधिकारी, नगर सेवक, कार्यकर्ता, पत्रकार, समाज सेवियों ने उक्त रास्ते के निर्माण कार्य को तत्काल मुकम्मल करने के उद्देश्य से शुक्रवार 11 जून दोपहर 1 बजे मानोरा चौक पर इकट्ठा आते हुए संबंधित पाटिल एंड इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी की लेट लतीफी के खिलाफ आंदोलन छेड़ा ही था। संबंधित कंपनी के खिलाफ यहां आंदोलनकर्ताओं के हुजूम द्वारा नारेबाजी शुरू की ही गई थी कि इस बीच प्रशासकीय हलके से तहसीलदार राजेश वजीरे, थानेदार सोनाजी आमले आदि अधिकारियों ने संबंधित कंपनी के ठेकेदार और इंजीनियर की मौजूदगी में उक्त महामार्ग के निर्माण कार्य को निर्धारित समय में निपटाने का लिखित वादा लिया। इस बाबत तहसीलदार राजेश वजीरे ने मीडिया को संबोधित किया। सर, आपण त्यांच्याकडून आता त्यांनी जे सांगितलं कि एक साइड का जो रस्ता है ते किती जून पर्यंत 24 जून ला कॉन्क्रीट पूर्ण होईल। 24 जून पर्यंत वन साइड पूर्ण करते, त्याच्यावर एक महिना त्यांना कालावधी जाऊ द्यावा लागते ट्रॅफिक सुरू करण्यासाठी। 15-20 दिवस आणि ते इकडून ट्रॅफिक सुरू केल्यानंतर हा पण चालू करतील काम आणि ते 10 जुलै पर्यंत हे जे दोन्ही साइडचं काम आहे शहरातलं तर ते 10 जुलै पर्यंत पूर्ण करतील। आणि ते तसं आपल्याला म्हणजे आपलं जे आम्ही दिग्रसकरच्या वतीनं जे आंदोलन आहे तर आंदोलनकर्त्यांना ते तसं लिहून देतील आणि त्याची कॉपी सुद्धा आम्हाला देतील आणि त्याचा आम्ही यंत्रणेशी वेळोवेळी त्याचा कामाविषयी पाठपुरावाही करत राहू आणि तुम्ही सुद्धा पाठपुरावा करत राहा आणि आमच्याकडे सांगत जा की काम त्याचं। गौरतलब है कि दिग्रस दारवा कारंजा महामार्ग पर दिग्रस शहर के मानोरा चौक से चिंचोली गांव तक के रास्ते पर गड्ढों की भरमार है। कथित कंपनी के मनमाने तरीके से जारी काम बीते 3 से 4 सालों से अधर में लटके हुए है, जिसका खामियाजा शहर की आम जनता सहित इस रास्ते से गुजरने वाले राहगीर और वाहन चालकों को उठाना पड़ रहा है। ऐसे में दिग्रस की जनता के साथ मिलकर पत्रकारों, सर्वदलीय पदाधिकारी, नगर सेवक और कार्यकर्ताओं द्वारा छेड़े गए रास्ता रोको आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए प्रशासकीय अधिकारियों ने बीच बजाव कर इस काम को खुद की निगरानी में पूरा करने का आश्वासन दे तो दिया है, लेकिन अब देखना होगा कि संबंधित कंपनी अपने वादे के मुताबिक निर्धारित समय में दिग्रस दारवा कारंजा महामार्ग का काम निपटाने में गंभीरता दिखाती है या फिर से काम चलाऊ नीति अपनाती है। BCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।